हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल बी ट्रिक पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके फ्रेंड विश्वजीत। फ्रेंड्स, आज आपको एक ऐसा ट्रिक देने वाला हूं जहां पे आपको फ्री चार्ज के थ्रू आपको हर नंबर पे 75 रुपीज़ करके मिलेगा और जो मनी आपको कैशबैक के थ्रू मिलेगा वो आप किसी भी तरह यूज कर सकते हैं। जी हाँ, आपको कोई रिचार्ज ट्रिक नहीं देने वाला हूँ, आपको बस कैशबैक मिलेगा और उसके लिए काफ़ी कुछ मेहनत आपको करना पड़ेगा। तो कैसे ये काम आपको पूरा करना है तो इसका पूरा डिटेल्स के साथ बताऊँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। लेकिन उससे पहले चले कौन है पिछले वीडियो का कॉमेंट कॉन्टेस्ट को विनर, सबसे पहले उनको 10 रुपीज़ का पेटीएम कैश अभी का भी पेमेंट कर देते हैं। फ्रेंड्स, पिछला वीडियो का कमेंट कॉन्टेस्ट का विनर है राहुल अमीन, तो चले राहुल अमीन को अभी के अभी 10 रुपीज़ का पेटीएम कैश दे देते हैं। तो मेरा अभी ओपन कर रहा हूँ पेटीएम, तो चले उसको अभी का भी पेटीएम पेमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे राहुल अमीन को मैं 10 रुपीज़ अभी आपके सामने पेमेंट सक्सेसफुल कर दिया। तो ऐसे आपको भी अगर जीतना है हर एक वीडियो से 10-10 रुपीज़ करके पेटीएम कैश, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा और वीडियो पर मस्ट एक लाइक करना पड़ेगा और साथों साथ आपके पेटीएम नंबर के साथ एक मस्त कॉमेंट छोड़ देना है, तभी आप जीत सकते हो पेमेंट पेटीएम के थ्रू। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स बिना कोई टाइम गवाते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको जिस चीज़ का जरूरत पड़ेगा वो है फ्री चार्ज एप्लीकेशन। तो आपके पास अगर एप्लीकेशन है तो बहुत बढ़िया, या फिर डिस्क्रिप्शन पर जाइए तो डिस्क्रिप्शन पे आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आपको फ्री चार्ज को इंस्टॉल करना है। तो जैसे फ्री चार्ज को इंस्टॉल करेंगे तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे मस्ट कोई ना कोई अकाउंट होगा। तो अगर आपका अकाउंट है तो बहुत बढ़िया है, अगर अकाउंट नहीं है तो फ्री चार्ज पे अपना एक अकाउंट बना लीजिए। सबसे पहले आपको वो तो आता ही होगा कि कैसे फ्रीचार्ज पे अकाउंट बनाता है, तो ये मैं नहीं दिखा रहा हूँ डिटेल्स पे। तो आपको जो टॉपिक है हमारा, तो टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक ऑफर्स दिया गया है फ्रीचार्ज के थ्रू, लेकिन ये ऑफर आपको एक हिडन ऑफर है। फ्रीचार्ज पे कहीं पे भी आपको ये ऑफर्स नहीं दिखेगा, बस मैं जो आपको बता रहा हूँ ये ध्यान पे सुनिए और इसको अप्लाई कीजिए। मस्ट आपको गारंटी दे रहा हूँ, आपको ये ऑफर का कैशबैक ज़रूर मिलेगा। फ्रेंड्स, ऑफर ये है कि आप अगर फ्रीचार्ज मर्चेंट को 3 बार 100 रुपीज़ करके पेमेंट करते हो तो आपको 25-25 रुपीज़ करके आपको 75 रुपीज़ कैशबैक मिलेगा, वो भी पर नंबर से। यानी आपको हर नंबर पे एक कैशबैक मिल सकता है। तो कैसे करना है चलिए आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए, आप किसी दूसरे मर्चेंट को तो पैसा भेज सकते हैं, लेकिन उस पर आपका लॉस ये होगा कि आप जो 100-100 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हो वो आपका रिकवरी नहीं होगा। तो इसीलिए आपको जो पेमेंट करना होगा वो अपनी खुद की मर्चेंट आईडी बना के। तो अभी बात ये आता है कि मर्चेंट आईडी कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पर माई अकाउंट पे आइए और माई अकाउंट पे आने के बाद आपको सबसे पहले जो है केवाईसी फिल करना होगा। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड जो भी है तो उससे आपका जो केवाईसी है, तो सबसे पहले केवाईसी को सक्सेसफुली कंप्लीट करें। देखिए मैंने केवाईसी डिटेल सबमिट कर दिया जो 24 से लेकर 48 आवर्स के अंदर सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके बाद ही हम ये जो मर्चेंट का प्रोसेस हम पूरा कर सकते हैं। तो अभी चलिए मर्चेंट सेटिंग पे ले जाता हूँ और मर्चेंट सेटिंग पे लेने के बाद मैंने एक बार ट्राई किया था तो यहाँ पे मेरा जो आईडी है वो हो गया, लेकिन ये आईडी अभी तक कॉन्फर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी कॉन्फर्म कैसे करना है चलिए आपको एक पूरे बिल्कुल न्यू आईडी बना के आपको दिखा देता हूँ कि आईडी कॉन्फर्म कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक न्यू आईडी लॉगिन किया, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि केवाईसी अपडेट करने के लिए। तो चलिए इस पर केवाईसी तो अपडेट नहीं करूँगा, लेकिन आपको शुरुआत से कैसे आपको मर्चेंट आईडी बनाना है उसका ही प्रोसेस दिखाने के लिए बस ये मैं कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो मेन अकाउंट है वो दूसरा वाला है जो मैंने पहले आपको दिखाया था। तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर एट मर्चेंट, इस पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। उसके बाद देखिए रजिस्टर करने के लिए आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होगा, तो वीडियो को धीरे धीरे देखते रहिए, आपको जो जो चीज़ की ज़रूरत होगा वो आपको पता लग जाएगा। अगर वो चीज़ में से कई भी एक चीज़ आपके पास नहीं है तो ये नहीं कर पाएंगे। अगर इस पर करते हैं तो मर्चेंट के लिए भी एक बहुत ही अंदर ऑफर है, जो ऑफर भी धीरे धीरे करके आपको बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देते हैं। तो गेट स्टार्टेड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे धीरे धीरे करके देखिए, यहाँ पर आपको मर्चेंट नेम देना है, यानी सेम एच मेंटेंड योर आईडी प्रूफ, यानी यहाँ पे आपका ऐसा नाम देना है जो आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड सब जगह पर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका ओरिजिनल नाम दे दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने मेरा नंबर नाम एंटर कर दिया। उसके बाद बिजनेस नेम, यानी आपका जो मर्चेंट बनाएंगे तो उसका नेम क्या रखना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे विश्वजीत स्टोर दे देता हूँ, STO हाँ हो गया। देखिए विश्वजीत स्टोर दिया वहाँ पे। कैटेगरी आपके पास अगर ओरिजिनल दुकान है तो बहुत बढ़िया है, आपका दुकान का डिटेल्स यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ से कोई भी मतलब कि चूज करके दे सकते हैं। तो सपोज मैं यहाँ पे रिटेल दे देता हूँ, तो चलिए रिटेल डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर लोकेशन, अब जो लोकेशन से यहाँ पे लोकेशन ऑन कर दीजिए आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर लोकेशन को परमिशन दे दीजिए, तो लोकेशन को परमिशन देने पे यहाँ पे काम बन जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं मैं जहाँ पे हूँ अभी उसी जगह का नाम ले रहे हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क जजुना रोड, तो वहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो इसी जगह का ही मैं डिटेल्स दे देता हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ले लेगा, या फिर आप यहाँ पे खुद भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो ले लेता है, देखिए ले लिया। इसके बाद एड्रेस लाइन 2, तो हमारा एड्रेस लाइन 2 ऑप्शनल है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना नहीं भी दे सकते। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक कोड देना पड़ता है जो अर्जेंट कोड होता है, तो ये ऑप्शनल है, आप अगर चाहते हो तो अगर आपके पास है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो भी नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, ऑप्शनल है। तो इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देखिए धीरे धीरे करके जो प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ वही प्रोसेस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। देखिए आपका एक मतलब कि
काम चलाने के लिए जो होता है क्यू आर कोड, तो वो तो तैयार हो गया। तो अभी कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका लिमिट जो है वो 10,000 कर गया है। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद अपग्रेड अकाउंट, यानी इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो अकाउंट है इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये जो पूरा फीचर्स है इस पूरा फीचर्स का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, वरना नहीं उठा सकते। तो अपग्रेड अकाउंट पर हम अगर जाते हैं तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स है, जो डिटेल्स आपको मस्ट देना है, तभी जाकर आपको जो बताया कि पार नंबर पर 75 रुपीज़ करके ले सकते हैं। उसके बाद ये जो मर्चेंट अकाउंट के लिए भी कुछ फैसिलिटीज है, जो फैसिलिटीज आपको बहुत पैसा देगा, लगभग आपको 500-600 रुपीज तो यहां से हो ही जाएगा। तो कैसे होगा धीरे धीरे करके बता रहा हूं, आप धीरे धीरे सुनते रहिए। उसके बाद देखिए इंटरव्यू और आईडी नंबर, तो आईडी नंबर मतलब आपका कोई भी आईडी प्रूफ देना है और सेल्फ अटेस्टेड। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक जेरोक्स कॉपी लीजिए आपका आईडी का। सपोज आप यहां पे पैन कार्ड डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर सपोज आप एक आधार कार्ड डालें, तो आधार कार्ड का जेरोक्स करके लाइए। तो जेरोक्स करने के बाद नीचे आप सेल्फ अटेस्टेड, तो अटेस्टेड तो पता होगा आपका खुद का सिग्नेचर कीजिए नीचे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक प्लस वाला आइकन है, तो यहाँ पे आप जो भी डालना चाहते हो, अगर पैन डालना चाहते हो, अगर पासपोर्ट डालना चाहते हो, अगर वोटर कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ भी आईडी आप यहाँ पे अपलोड कर दो, ठीक है। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जो दोगे उसका जेरोस करके लाइए, और जेरोस करने के बाद नीचे उसका सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। उसके बाद देखिए सेम एच यहाँ पर जो आइकन है इस पर आपको सही मार्क देना है। उसके बाद आप जो प्रोफाइल फिलअप की है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद अपलोड बैंक प्रूफ, यानी आपको बैंक का जो पासबुक है वो पासबुक का एक जेरोस कॉपी लाना है, और नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करके यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको मतलब कि यहाँ पर देखिए और एक है कि अदर डॉक्यूमेंट्स, अगर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना आप यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे विद इन 1 वीक, तो 1 वीक के अंदर ये पूरा वेरीफाई होगा फ्रीचार्ज की तरफ से और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो मेरा जो प्राइमरी अकाउंट है, जो अकाउंट सबसे शुरुआत में दिखाया था, उस अकाउंट पे तो मैंने ये ऑलरेडी सबमिट कर दिया। तो जैसे ही ये सक्सेसफुल होकर आ जाएगा तो इसका मैं पेमेंट प्रूफ भी दिखाऊंगा। तो चलिए अभी तक जो ऑफर मैं बात कर रहा था बता देता हूं। तो फ्रीचार्ज ने निकला है कि ऐसा ऑफर, तो अगर आप एक मर्चेंट हो तो मर्चेंट होकर अगर किसी से आप पेमेंट रिसीव करते हो तो 100 रुपीज़ या फिर उसके ज़्यादा जितना भी सारे पेमेंट रिसीव करोगे तो हर एक पेमेंट पर आपको 10-10 रुपीज़ करके मिलेगा कैशबैक। अगर आप किसी मर्चेंट को पेमेंट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट 3 ट्रांजेक्शन पर आपको 25 रुपीज़ करके 75 रुपीज़ जो है मिलेगा। तो ये है ऑफर, ठीक है, और जो पैसा आप मतलब कि कहीं पे भी यूज कर सकते हो जो कैशबैक का मनी। तो फ्रेंड्स मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज़ कुछ दिन वेट कीजिए, बस 1 वीक के अंदर तो मेरा अकाउंट एक ना एक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। तो जैसे वेरीफाई हो जाएगा तो मैं आपके लिए पेमेंट प्रूफ लेकर आऊँगा, जहाँ पे पैसा भेजने पे 25 करके कैशबैक, और मतलब कि हमारा जो मर्चेंट अकाउंट के लिए 10-10 रुपीज़ करके कैशबैक। तो पूरा सभी का कैशबैक का मैं पेमेंट प्रूफ लेके आऊँगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आगे अगर ऐसे भी ट्रिक सबसे पहले लेना चाहते हो तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और पेमेंट प्रूफ लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर और कमेंट जरूर करो, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। सो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।